महाज, आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं? आपकी इतनी सख्त नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप तो बिल्कुल ही मुझसे बेजार लगने लगे हैं, जबकि हमारी शादी को सिर्फ एक साल हुआ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी शादी को एक साल हुआ और तुमने क्या हुलिया बना लिया अपनी? प्रेगनेंसी में हर औरत का वजन चढ़ जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो ठीक है, लेकिन इट्स टू सून फॉर यू। और ये जो तुम अपने अंदर तेल और ये मीठा उंडेल रही हो ना, और ये अनहाइजीनिक और वेट गेनिंग खाना खा रही हो, ये तुम ज्यादती कर रही हो अपने वजूद के साथ भी और मेरे जज्बात के साथ। तो ये मेरी गलती है कि आपकी अम्मी को एक सेहतमंद पोता चाहिए? पोता? क्या उन्होंने स्कैन करवा ली जो इतनी मेहरबान है तुम पे? नहीं, स्कैन तो नहीं करवाया, लेकिन वो कहती है कि उन्हें यकीन है कि पोता है। दुआ करो उनका यकीन सच साबित हो जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों, वो क्या करेंगी? अम्मी का पता नहीं वो क्या करेंगी, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद मुझे अपनी पहली वाली स्मार्ट और फिट बीवी ना मिली ना, तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करेंगे आप? तो मैं जिम छोड़ गया हूँ, और क्या करूंगा ताकि फिट हो जाऊं। मुझे लगता है कि आप इस बात से खुश नहीं है कि मैं मां बनी। अगर आपको औलाद नहीं चाहिए थी वहाज, तो ये आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मैं खुश हूं तुम्हारी मां बनने से, लेकिन तुम मुझसे लापरवाह होती जा रही हो, और ये जो तुमने अपना हुलिया बना लिया ना, इससे चिड़चिड़ती है मुझे।